हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज थोड़ा सा व्लॉग स्टाइल वीडियो है, सेटअप थोड़ा सा अजीब सा होगा इस चीज से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू कैन सी मेरे पास ये थोड़ा सा काफी ज्यादा स्टैश है। सो बेसिकली आई एम थोड़ा सा आई एम इनटू वेके मूड, सो वी आर सम प्लानिंग फॉर बीच वेके। कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं स्किन केयर के जो मैं लेके ऑफकोर्स जाऊंगी, और इसी तरह से आई विल बी मेकिंग अ हेयर केयर वाला एक पार्ट एंड मेकअप एज वेल एज सम बॉडी केयर टॉयलेट्रीज वगैरह। सो इफ यू वॉन्ट टू चेक दैट आउट सो स्टे ट्यून्ड। इसके बाद वाले पार्ट्स में मैं वो भी ऐड कर दूंगी, बट देर आर सर्टन थिंग्स जो एसेंशियल होती हैं और मैं किसको क्यों लेके जा रही हूँ उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी इसी वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ऑफकोर्स स्किन केयर का लाइक नो ब्रेनर, हमें चाहिए फेस वॉश। सो फेस वॉश के लिए मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे फेस वॉश है, आपके पास वीडियोज भी हैं कि मैं कौन से जनरली यूज़ करती हूँ, बट देन फॉर ट्रैवल मुझे लगा सबसे बेस्ट रहेगा ये, विच इज़ प्लम ग्रीन टी पोर क्लेंसिंग फेस वॉश। तो अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, आपको पोल्यूशन वगैरह से थोड़ा सा आपको इरिटेशन हो सकता है, स्किन आपकी डल दिख सकती है, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड के साथ है और ये यू नो लाइक क्लेंजिंग वाला है, काफ़ी अच्छे से आपके स्किन को ये क्लीन कर देता है। और मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन टाइप है, उसके रीजन से ये बहुत अच्छा है। और चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि जितने भी सारी चीज़ें मैंने लिए हैं मोस्टली मैंने ऐसे चेक किया, या तो वो सैम्पल साइज प्रोडक्ट्स हो या तो उसका अगर फुल साइज भी हो तो वो पैकेजिंग वाइज थोड़ा सा ट्रैवल फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो आई विल बी गोइंग बाई आई गेस ट्रेन, तो ट्रेन में ऐसे तो आपको कोई यू नो लाइक रेस्ट्रिक्शन तो होता नहीं है कि आप कितने एमएल्स के ले जाओगे, बट एटलीस्ट अगर साइजेस छोटी रहेंगी तो कम से कम आपको यू नो लाइक पोर्टेबिलिटी वाइज वो हेल्प करेगा। सो दिस इज द वन आई एम गोइंग टू टेक एंड दिस इज 75 ml, तो काफ़ी छोटा सा है, पर्स में या बैग में मेरे फिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज टोनर एज वी गो बाई द यू नो लाइक स्किन केयर प्रोसेस। तो मेरे पास है ये बायोटिक बायो क्यूकम्बर वाला टोनर। नाउ दिस टोनर आई वुड से कि मैं नॉर्मली रोज वाटर, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस वगैरह में भी देखे होंगे, मैं रोज वाटर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट वो सारे जो है वो शीशे के बॉटल्स में है, यू नो लाइक ग्लास बॉटल्स, दैट इज द रीजन आई थॉट टू टेक दिस। ये प्लास्टिक वाला है और ये भी मुझे बहुत पसंद है दो रीजन्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं बीच वेकेशन पे जा रहे हो तो वहाँ पे स्किन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा यू नो लाइक डैमेज हो सकती है विद सन रेज, तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी एच ए बी एच ए या फिर हार्श कोई भी आर्बिट्रन सीरम या फिर नाइसिनमाइड ऐसा कुछ भी चीज़ मैं लेके जाऊँ जो कि यू नो लाइक मॉर्निंग स्किन केयर करने के बाद एंड मैं बाहर अगर गई तो फिर यू नो लाइक स्यापा नहीं चाहिए हमें स्किन के साथ। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम टेकिंग अ वेरी माइल्ड सीरम विच इज़ दिस क्लेयर्स का हाइलोनिक एसिड सीरम है ये, एंड इट कंसिस्ट ऑफ रिच मॉइस्ट सूदिंग सीरम। तो ये इवन अगर आप यू नो लाइक बीच वेकेशन में जा रहे हो और आपको थोड़ा सा सनबर्न भी हो गया है या फिर टैनिंग भी हो गई है तो ये आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, सो दैट विल ऑल्सो सूद योर स्किन। तो दैट इज अनदर रीजन वाई आई एम टेकिंग दिस, एंड ऑल्सो ये प्लास्टिक बॉटल है, अगेन द पैकेजिंग फैक्टर मैटर्स व्हेन यू ट्रैवल, सो ये एक और रीजन है इसके। तो अब नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर्स। एज वी नो कि मॉइस्चराइजर बिना कहाँ जिंदगी, थ्री ऑप्शंस है। तो सबसे पहला है कि अगर मैं डे के लिए देखूँ तो ऐसा कुछ मॉइस्चराइजर मैं ले जाना चाहती हूँ जो कि यू नो लाइक अगर आसपास में मैं कहीं गई एंड या फिर अगर मैं होटल में ही रही एंड आई वॉन्ट समथिंग जस्ट टू प्रोटेक्ट लाइक थोड़ा बहुत उसमें SPF फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस गार्नियर ब्राइट कम्प्लीट वाइटामिन सी सीरम क्रीम। ये वाला मैं इसको लेके जाना प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि ये अगेन टब पैकेजिंग में है, छोटू सा है और ये यू नो लाइक प्लास्टिक का है, सो ये इट स्मेल्स सो गुड। ठीक है, ये देखो लीक भी हो रहा है, तो इसी टाइप का है ये, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ फॉर माई डे क्रीम काइंड ऑफ थिंग। ऐसे मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप कहीं स्पेशली बीच वाले एरिया में जा रहे हैं तो मेक श्योर आप SPF एडेड लेके ही जाएं, आप मॉइस्चराइजर पे ट्रस्ट ना करें उतना कि मॉइस्चराइजर है तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, यू नीड सम एक्स्ट्रा SPF ओवर दैट। तो उसके लिए मैं बोलूँगी मैंने ये दो लिया है, और मैंने दो सनस्क्रीन क्यों लिया है, पहले ये न्यूट्रीजिना सनस्क्रीन है एंड देन दिस इज जेड ब्लॉक, ओके SPF 50 दोनों में ही SPF 50 है, बट मैंने दोनों क्यों लिए। अब देखो प्रॉब्लम ये है न्यूट्रीजिना के साथ कि इसको टाइम लगता है टू ब्लेंड इन विद स्किन, वो वाइट कास्ट दे देता है, वेर एज दिस वन इज नैनो पार्टिकल्स। ये भी फिजिकल सनस्क्रीन है, ये भी फिजिकल सनस्क्रीन है, बट दिस इज नैनो पार्टिकल तो ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है स्किन पे, विच इन दैट केस ये बहुत लॉन्ग टाइम लगाता है। सो मैं ये भी लेके जा रही हूँ, ये भी लेके जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू द टाइम। इफ आई डोंट हैव टाइम एनफ टाइम टू यू नो लाइक ब्लेंड करते रहो बैठ के, तब मैं इसको लगाना प्रेफर करूँगी, बिकॉज सनस्क्रीन बिना नहीं जा सकता बीच वेकेशन या फिर कहीं पे भी इनफैक्ट, और अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इसको लगाना प्रेफर करूँगी। सो दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग दीज टू एज पर माई चॉइस एंड द टाइम आई गेट, तो आई कैन यूज दैट। नेक्स्ट इज माई
लाइक मॉइस्चराइजर जो नाइट के लिए मैं लगा सकती हूँ. सो विच इज दिस, एज यू नो आई लव दिस सिंपल का मॉइस्चराइजर. ये कहीं पे भी जाओ मैं इसको लेके पक्का से जाती हूँ, और घर पे भी, बाहर भी, कहीं पे भी, ऑफिस में, कहीं पे भी आप चले जाओ, ये मेरे साथ ही रहता है. सो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज माई स्टेपल फॉर स्किन केयर. सो सिंपल हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर, आपने प्रीवियस वीडियो पे भी देखा होगा मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन पे, मैं इसको अप्लाई करती हूँ. तो ये आप मॉर्निंग पे, नाइट पे, आपको जब मन चाहे आप इस मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हो. सो आई एम टेकिंग दिस वन. एंड देन मुझे सैम्पल मिले थे, मैंने प्लम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, मुझे प्लम का प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है. तो उसके साथ मुझे ये वाला प्लम ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल, ये मुझे उसके साथ फ्री मिला था एज सैम्पल, आप देख सकते हो. तो ये वाला क्योंकि सैम्पल साइज है, और पता नहीं क्यों मैंने सोचा था कि कभी जब कभी किसी वेकेशन पे जाऊंगी तो मैं इसको लेके जाऊंगी. सो दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग दिस अलॉन्ग, बिकॉज ये नाइट नाइट जेल काइंड ऑफ है, नाइट जेल या नाइट जो भी है, मतलब आप सारा कुछ करने के बाद, लाइक अगर मैंने सिंपल का मॉइस्चराइजर लगाया है तो उसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी, एंड दैट विल लॉक माई ओवरऑल जो स्किन केयर है बेसिकली. ओके, सो दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग दिस. एंड एक और चीज बचता है विच इज लिप बाम. तो लिप बाम के लिए मैं ये लनेज वाला लेके जाना चाह रही हूँ. अब इसके साथ मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो पे दिखाया था बायोटिक का बायो फ्रूट, वो भी बहुत अच्छा है, बट दो दो लिप बाम लेके कौन जाता है गाइज. तो एक ही ठीक है जो यू नो लाइक अगर मैं पूरे दिन अगर लिपस्टिक वगैरह वेयर भी करी हूँ तो रात को इट विल हेल्प टू हील माई लिप्स. तो फॉर दैट आई नीड लिप स्लीपिंग मास्क. ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, आपको मैं अगर टेक्सचर दिखा दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक है. ओके, ऐसा है, एंड इट स्मेल्स गुड, लाइक बबल गम जैसा स्मेल करता है. सो दिस इज द ओरिजिनल वन. आई थिंक इसके और भी दो तीन फ्लेवर्स मिल जाते हैं, सो आई हैव दिस वन. तो मैं इसको ले जा रही हूँ बिकॉज नाइट पे इट विल हेल्प मी. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक है, कभी कभार अगर मुझे मन किया या फिर हाउ माई यू नो लाइक हाउ माई स्किन फील्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको यूज़ करूँगी या नहीं करूँगी. बट लेके जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर मुझे कौन मेरे स्किन टाइप की स्किन केयर प्रोवाइड करेगा गाइस. तो दैट इज़ द रीज़न आई एम टेकिंग सर्टन थिंग्स विच आई गेस वहाँ पे नीड हो सकती है अगर मैं स्किन को वैसा फील हुआ तो. तो चलिए देखते हैं वो सारे. गाइस एज आई टोल्ड यू कि मैं मेकअप थोड़ा बहुत लेके जाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं. तो मेकअप को रिमूव भी करना है, तो मेकअप को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेकअप रिमूवर. तो मेकअप रिमूवर के लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं. तो सबसे पहले है ये विच इज़ यू नो प्लम का, ये है क्या बोलते हैं इसको, सिंपल सिंपल सपल क्लेंजिंग बाम. तो इसका भी मैंने एक बार आपको किसी वीडियो पे मेंशन करा था. तो यस, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्लेंजिंग बाम लाइक टू रिमूव योर मेकअप, स्पेशली फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है. तो आफ्टर दिस, अब हर टाइम आपको नहीं मन करेगा कि फुल फ्लेज्ड यू नो लाइक आप क्लेंजिंग बाम से पूरा आप मेकअप जो है वो रिमूव करें, विच इज़ वाई यू नीड सम माइसलर वाटर. सो फॉर माइसलर वाटर आई हैव अगेन सैम्पल प्रोडक्ट. सैम्पल प्रोडक्ट्स कब काम आते हैं गाइस, जब आप किसी ट्रैवल पे जाते हो, टूर पे जाते हो, तभी काम आते हैं. सो आई हैव दीज टू, बायोडर्मा, ये वाला देख लो, बायोडर्मा का ये यू नो लाइक सैम्पल प्रोडक्ट है. सो उसी रीजन से मैं इसको जस्ट लेके जा रही हूँ गाइस. नेक्स्ट इज बिकॉज आई एम ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन एंड आई एम गोइंग टू सम बीच वेकेशन, हो सकता है चांसेस आते हैं पिंपल्स आ सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं गाइस. तो इसी रीजन से मैंने सोचा कि आई नीड सम प्रोटेक्शन फॉर द एक्ने एंड पिंपल्स स्टफ. थोड़ा सा हो ही सकता है ना, आप वेदर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, आप ह्यूमिड रीजन में जा रहे हो. सो आई हैव टेकन दिस एंड दिस, ये दोनों मैंने लिए हैं फॉर माई एक्ने रेस्क्यू. तो ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फास्ट काम करते हैं, और जैसे ही आपका थोड़ा सा आपको फील होने लगे कि एक्ने आपका जो यू नो लाइक उभरने वाला है, आ रहा है बाहर, स्किन के बाहर, तभी आप ये दोनों में से कोई एक लगा लेना, सो दैट कि आपका जो एक्ने है वहीं पे वो चुपचाप होकर सो जाएगा. बट अगर आपका फुल फ्लेज्ड एक्ने आ चुका है उसके बाद आपको उसको हील करना है, देन इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. सो दिस इज फ्रॉम द डर्माको AHA BHA जेल फॉर एक्टिव एक्ने, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड नाइसिनमाइड. दिस वर्क्स वेल, अगर जैसे ही स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पे आप इसके ऊपर लगा लो, देन इट इज गुड. विद इन 24 आवर्स वो काम डाउन हो जाएगा, पिंपल कभी ऊपर आए गए नहीं. बट अगर आपका ऊपर आ चुका है, सर्फेस के ऊपर है, यू नो लाइक पीपल कैन सी, वो देखो पिंपल लेके जा रही है, देन यू नीड दिस फॉर यू नो लाइक एटलीस्ट फॉर 1 वीक, क्योंकि वो अब पैदा हो चुका है तो उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है. तो दिस इज दैट, एंड देन आई हैव दिस वन बायोटिक मिरिस्टिका, बायो मिरिस्टिका. सो ये बहुत ही ज़्यादा, इसका फ्रेग्रेंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज, लाइक पेपरमेंट एंड क्लोव्स, मूव जैसा ये स्मेल करता है. मूव आपने अप्लाई करा होगा कभी तो, मूव जैसे ये स्मेल करता है. नाउ दिस इज अगेन, आप ये फेस पैक लिखा तो है बट ये स्पॉट करेक्टिंग है, बिकॉज आप इस फेस पे अगर आप लगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा जलने स्टार्ट कर देगा, इट विल बर्न यू लाइक एनीथिंग.
एंड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं तो आपको एक्ने के ऊपर भी इसको लगाने में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आई डोंट नो ये ड्राई स्किन पे कितना काम करेगा, बट हाँ ऑयली एंड एक्टिव प्रोन स्किन के लिए दिस वर्क्स वेल। सो अगर आप इसको रात में लगा के सोते हो लाइक स्पॉट करेक्टिंग जहाँ पे आपको पिंपल्स हुए हैं या फिर होने वाले हैं, तो विद इन 24 to 48 hours में ये जल्दी काम कर जाएगा। बट यू नो लाइक ये ज़्यादा जल्दी काम करता है द डर्माको वाला देन दिस बायोटिक। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो बट स्पेशली अगर आप बीच वेकेशन पर जा रहे हो तो यू नो दैट यू विल गेट टैंड, राइट? आपका स्किन टोन डेफिनेटली वो आप जितना भी सनस्क्रीन लगाओ या जो भी कर लो फिर भी वो थोड़ा सा लोअर हो ही जाएगा। सो फॉर दैट वो ताकि उतना ज़्यादा भी लो नहीं हो, एंड दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग दीज टू प्रोडक्ट्स फॉर माई डी टैनिंग। सो पहला चीज़ है बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब, अगेन दिस इज फ्रॉम बायोटिक एंड दिस वर्क्स वेरी वेल। मुझे ऐसा लगता है कि ये बीच वेकेशन मस्ट हैव होना चाहिए सबके लिए। सो दिस इज बायोटिक बायो पपाया टैन रिमूवल स्क्रब। एंड स्क्रब के बाद अगर मुझे फेस पैक चाहिए डी टैनिंग के लिए, सो आई एम टेकिंग दिस, एक छोटू सा किट है ये रावा डी टैन बोल के आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये रावा डी टैन का, इसमें 6 sachets मिलते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो इसमें 6 sachets मिलते हैं और ईच सैशे इज लाइक 12 grams, तो 72 grams के आपको ये 6 sachets मिलते हैं, ठीक है? सो इफ यू आर गोइंग टू अ बीच वेकेशन एंड आप इसका एक इसका पूरा एक डब्बा मिलता है लाइक 500 grams और समथिंग, तो अगर आप उतना बड़ा ऑब्वियसली आप ट्रैवल में नहीं ले जा सकते हो, सो यू कैन टेक दीज सैशे। तो ये काफ़ी कम लगता है, यू नीड सम थिक फिल्म्स टू अप्लाई, तो उसके बाद ये काम कर देता है विद इन 30 minutes यू आर सॉर्टेड। सो ये दोनों मैंने इसी रीजन से फॉर डी टैनिंग पर्पज आई हैव टेकन दिस, और स्पेशली ये वाला मैं बोलूँगी आप नॉट ओनली फेस पे, आप कहीं पे भी बॉडी पार्ट्स पे भी इसको लगा सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो आप फेस पे नेक पे लगा के इसको यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू गेट द टब उसको आप इजीली यू नो लाइक बाकी हैंड लेग्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो मैं कुछ कॉटन ऐसे ना ऐसे डब्बे में करके आप देख सकते हो, ऐसे मैं कॉटन लेके जा रही हूँ बिकॉज आई नीड टू रिमूव माई मेकअप, आई नीड टू रिमूव माई स्किन केयर एट। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड दीज आर द थिंग्स एक्चुअली मैं इसी को अभी पैकिंग करने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि पैक करने से पहले मैं आपको शेयर कर दूँ कि ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं बीच वेकेशन पे ले जा रही हूँ। अगर मैं किसी हिल स्टेशन पे जाती हूँ तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं स्किन केयर में, बाकी चीज़ों में भी, बट बीच वेकेशन में आपको ज़्यादा कुछ ताम झाम का जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप टैनिंग कम से कम लेके अपने घर वापस आ जाइए। तो यस, तो चलिए अगले पार्ट में अगले वीडियो पे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय गाइस।